आप देख रहे हैं अराइव 24 न्यूज। अराइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के हर कलाकार को अब तक आपने बड़े पर्दे पर देखा है, मगर अब आप बॉलीवुड के इन कलाकारों को एक शॉर्ट फिल्म में देखेंगे। इस शॉर्ट फिल्म के नाम को लेकर विवाद उठा। आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम मोहम्मद रखा गया था, लेकिन विवादों के चलते इसे बदलकर करीम मोहम्मद कर दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की ये रिपोर्ट। वैसे बात करने में ज्यादा मजा आता है। बेसिकली बचपन से कुछ चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा कई बार बहुत कौन की है। मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी जब भगत सिंह जेल में थे, तो उनकी ये किताब थी कि मैं नास्तिक क्यों, तो उसके कुछ जवाब शायद मुझे मिले, हो सकता है वो आप लोगों को भी ठीक लगे। उसके अंदर सवाल था कि भगवान सर्वशक्तिमान है। मैं कोई इसको कोट कोटेशन को आप उस तरीके से कोट मत कीजिए जब तक इसको कोई बात नहीं सुनेंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकता है, और अगर कोई गलत करता है, अगर कोई पाप करता है, तो भगवान उसकी सजा देता है। तो बच्चे के दिमाग में जब ये सवाल गूंजेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा कि कोई किसी को चाकू मार रहा है तो भगवान उसको क्यों नहीं रोक लेता, वो जुल्म क्यों होने देता है। सर्वशक्तिमान है तो पृथ्वी पे जुल्म ही नहीं होगा। तो फिल्म करते हुए इसके जवाब जो मुझे सूझा है कि भगवान और शैतान किसी भी धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर ये दोनों पावर रही है। शैतान भी बहुत ही पावरफुल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के अंदर जाएं, सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं। तो बच्चे के जो सवाल है उसको हमने इससे जवाब निकालने की कोशिश की है कि भगवान की नहीं, ये शैतान की औलाद है। अल्लाह ये नहीं करता, अल्लाह नहीं चाहता। समय से पहले जब किसी की मौत होती है, किसी का मर्डर होता है, किसी का खून होता है, गलत होता है, तो शैतानी सोच है, वो भगवान की, तो लड़ाई चल रही है। एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा, आप कश्मीर के अंदर कहीं पर भी आतंकवादियों को छुपाया जाता है तो ये सोच के छुपाया जाता है कि हमारी फैमिली, हमारा गाँव, हमारे बच्चे, हम लोग महफूज हैं, ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बचे रहेंगे। कभी कहीं जाकर के दूर कहीं गोलियां बारूद करते हैं तो उससे चलो, लेकिन हमारा गांव तो महफूज है, तो वो जिंदगी चुन रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे? जमीर मार, क्या जमीर मार के जिंदा रहा जा सकता है? तो अगर जब किसी के बच्चे को उठा के लेके जाएंगे, किसी की बीवी को उठा के लेके जाएंगे, उसका मर्डर करेंगे किसी भी जगह पर, किसी भी आतंकवाद में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो क्या उस समय हम जिंदगी चुनेंगे या जमीर की आवाज सुनेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी वजह से ये हमारे गांव में नहीं आते, हम लोग बचे हुए हैं, ये बॉम्बे में दिल्ली में अटैक नहीं करते, उधर कर रहे हैं अटैक, हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन फिल्म का कहना है कि उनकी वजह से हम जिंदा नहीं है, हमारी वजह से वो लोग जिंदा है। तो पूरी फिल्म को बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ले जाने की कोशिश की है, जो डायरेक्ट नहीं है। सिनेमा का मतलब ये नहीं है कि हम क्रांति ला दें, हम वो कर दें, कुछ सवाल छोड़ने, और स्लो बर्न फिल्म है, बहुत से लोगों को बोर लगेगी, नाच गाने से नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्लो बर्न किस तरीके से अटैक करता है, जो सिनेमा ने एक नई एक पत्ती निकाली, एक सार्थक सिनेमा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया की देन है, नेगेटिव होते थे तो शायद हम लोग फिल्म नहीं बना पाते, आइडियल की वजह से हम लोग हिम्मत कर रहे हैं किसी तरीके से फिल्म बनाने की। और इसके अंदर कोई नाम की बात रही, हमारा मानना यह है कि किसी भी विवाद से कोई फिल्म कभी सुपर हिट नहीं हुई है, हमें किसी विवाद की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने अपना नाम, किसी कम्युनिटी को, किसी लोगों को बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है, तो हमें नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं, मोहम्मद को हम करीम मोहम्मद कर देंगे। हमें उसकी सिनेमा फिल्म अच्छी बननी चाहिए, नाम से लेके विवाद खड़ा कर दें, मार कुटाई हो, वो हो, और कुछ लोगों का भी दिल दुखे, उसके लिए हम सिनेमा नहीं बना रहे। हम सिनेमा लोगों के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट के जरिए कुछ सार्थक बातें कह सकें, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आपको इंजेक्ट कर जाते हैं, पूरी फिल्म करते हुए आप उसको जीते हैं करेक्टर को। अभी थोड़ी देर में हम फिल्म देखेंगे, तो मैंने कोशिश की है इसको जीने की, इसको जीने की कोशिश की है, क्योंकि ये ना तो हरियाणा ना नॉर्थ इंडिया की कहानी है, ये बकरवालों की कहानी है। बकरवाल किसको कहते हैं? जो राजस्थान से गए हुए या कोई और प्रदेशों से गए मुसलमान कश्मीर में रहते हैं, और जैसे खाना बदोश लोग होते हैं, वो
भेड़ बकरियों के झुंडों को लेकर के सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं तब कुछ बर्फ पड़ रही है, और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। तो ये उनका 24 घंटे हर दिन रात 365 दिन महीने साल में उनका सफर ही सफर रहता है, और चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, जैसी कहानी उनकी एक्चुअल में है। वो रोल मैं कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली एक छोटा सा बेटा है और एक वाइफ है हमारी, तो ये हमारी मतलब मेरी तो इससे एक बड़ी प्यारी सी फैमिली है। इस चलने में और आने में और जाने में आतंकवादी मिलते रहते हैं, कश्मीर है तो बच्चे के दिमाग में कुछ सवाल हैं, बहुत कमाल के सवाल हैं, इसलिए उनको न्यूट्रल रखा गया है, बहुत रियलिस्टिक ना करके उसको थोड़ा सा सिंबोलिक बनाया गया, उसकी आवाज को, उसकी हर चीज को, ताकि वो एक दुनिया के लिए यूनिवर्सल चीज लगे, न्यूट्रल चीज लगे, एक करेक्टर की बजाय ज्यादा वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक पूरी दुनिया की आवाज, सारे दुनिया के बच्चों की आवाज लगे, क्योंकि आईएस से प्रभावित भी बहुत लोग हैं, सीरिया में बहुत कुछ हो रहा है, इसराइल में बहुत कुछ हो रहा है, और दुनिया में बहुत कुछ, इतने जैसे उत्तरी कोरिया में बहुत कुछ हो रहा है, सब बच्चों की, पूरी दुनिया के बच्चों की आवाज है मोहम्मद की आवाज। इस फिल्म में आप ये देखेंगे, और उसके कुछ सवाल हैं और उसके कुछ जवाब हैं जो उसका बाप देता है, कुछ सवाल ऐसे ही खड़े हैं वो आपके ऊपर छोड़े जाएंगे। यही फिल्म की छोटी सी कहानी है, इसी को ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि तो अभी हमारा मोहम्मद आ गया है, तो उससे भी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं एक बात बताता हूँ, इसकी पहला दिन पहला शॉट इसके साथ, और खाई में गिरने का शॉट था, खाई में गिरा हुआ है भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए, और मैं आया शूटिंग पे तो ये इसको ना रस्सी बांध के यहाँ से लटकाया हुआ था कि ऐसे ही करेंगे, बाद में रस्सी को हटा देंगे। मैंने कहा नहीं यार ये क्या प्रॉब्लम, इतना इतनी सी तो चीज है, तो वो रस्सी हटवाई और इसको बिना रस्सी के इसने चढ़ाया है, उसकी इसकी हालत वो बता तो कैसा लगा उसको। बोलो 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 शाबाश, आवाज खुली हुई है, बोलो बताइए जो मन में है, बताइए मोहम्मद बताइए। सफर है हमारी जिंदगी, हम गुजर के लाल खंगिया जो पत्थर चलता रहा तो बकरवाल। हर सा चले चले चलते चले 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 चलते चले 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 चलते चले जंगल में चले दरिया से बहे मिट्टी में डले कुदरत से मिले जंगल में चले दरिया से बहे मिट्टी में ढले कुदरत से मिले चले चले चलते चले 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 चलते चले ना रुके वक्त ना बकरवाल उसते मौसम बदले हर साल चले चले चलते। थैंक यू।